सीट पर राजस्थान हाई कोर्ट में भी सुनवाई है आज, इस पर भी हमारी नजर है। 6 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है वहां पर। छात्रों ने अपनी कंप्लेन की है, उसमें कुछ ऐसी भी कंप्लेन है कि जब उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए तो देरी से दिया गया, उनको समय कम मिला है। तो ये 6 अलग अलग याचिकाएं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं केजे श्रीवत्सन। 6 याचिकाएं जिन पर राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जी बिल्कुल, देखिए आज 6 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इस वक्त राजस्थान में ग्रीष्मावकाश चल रहा है, तो हाईकोर्ट में भी आज स्पेशल जो ग्रीष्मावकाश जज हैं, सब वैकेशन जज, वे बैठेंगे और इस याचिका की सुनवाई करेंगे। दोपहर को ऐसा कहा जा रहा है कि 12:30 बजे बाद इसके ये याचिकाएं आ सकती है। इन 6 याचिकाओं में से 2 याचिकाएं काफी इंटरेस्टिंग कही जा सकती है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि एक तनुजा यादव नाम की छात्रा की याचिका है, उसने ये कहा था कि उसे आधे घंटे का वक्त कम दिया गया था परीक्षा देने के लिए, तो ऐसे में उसे भी ग्रेस मार्क दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब बाकी बच्चों को किसी कारण से ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, तो उसे जो आधे घंटे कम पेपर वक्त मिला था परीक्षा पर्चे लिखने का, देरी से जो पर्चा मिला था, इसके लिए उसे भी ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। दूसरी जो याचिका दायर की गई है वह सवाई माधोपुर की है। सवाई माधोपुर के एक परीक्षा केंद्र में एक जो कक्ष होता है, उस कक्ष में हिंदी की बजाय अंग्रेजी का पर्चा दे दिया गया, जिसके चलते करीब 1 घंटे तक छात्रों का हंगामा वहां हुआ। परीक्षा में वापस अंग्रेजी वाला पर्चा वापस लेकर हिंदी आने में 1 घंटे का वक्त लग गया, लेकिन ये जो हंगामा हुआ था, तो पूरे परीक्षा के केंद्र के छात्र इससे प्रभावित हुए थे। वे परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि बाकी जी जहां पर ये परीक्षा में अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी परीक्षा दे दिए गए थे, वे हंगामा कर रहे थे। तो ऐसे में पूरे केंद्र के छात्र कह रहे हैं कि उन्हें भी 1 घंटे का अतिरिक्त वक्त दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया और हंगामे के बीच में उन्होंने परीक्षा को सही तरीके से नहीं दे पाए थे। तो इस तरह की तमाम याचिकाएं आई है और 6 याचिकाओं पर आज वैकेशन जज सुनवाई करेंगे और उसी के बाद देखना यह होगा कि किस तरह का यह पूरा मामला आगे बढ़ता। वैसे राजस्थान में 1,80,000 छात्र छात्राओं ने इस बार नीट की परीक्षा दी है और इनका भी आरोप है कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है, क्योंकि राजस्थान वैसे भी कोचिंग सिटी के रूप में जाना जाता है। कोटा की बात करें, सीकर की बात करें, ये सब कोचिंग सेंटर है। यहां पर लाखों रुपए खर्च करके अभिभावक अपने बच्चों को नीट और जेईई जैसे परीक्षा देने भेजते हैं, और यदि उतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस तरह का कोई बात सामने आती है, तो निश्चित तौर पर छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी पूरी तरह उनका विश्वास टूट जाता है निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा प्रणाली से। चलिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है, प्रभाकर मिश्रा और केजे श्रीवस्तव आपका हम रुक करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।